नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। खाटसवा में राहुल गांधी बोले, जीते तो ऋण माफ, बिजली बिल भी हाफ। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर ऋण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50% तक की कमी करने का वायदा किया। कांग्रेस नेता यहाँ 10:45 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और किसानों के द्वार तक पहुंचने की शुरुआत की। हालांकि राहुल की चर्चा समाप्त होने के बाद लोगों में खाटों को लेकर छीना झपटी मच गई। नरेंद्र मोदी से मिले राजनाथ, कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सिंह के नेतृत्व में कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के दौरे के बाद सोमवार शाम ही राजधानी लौटा था। दोनों नेताओं की बैठक में घाटी में स्थिति सामान्य करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। श्रीनगर से हटा कर्फ्यू, मृतक संख्या बढ़कर 72। हालात में सुधार के बाद मंगलवार को पूरे श्रीनगर शहर में कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो जाने से सुरक्षा बलों में प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है और 10,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में रविवार को सुरक्षा बलों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष के दौरान घायल हुए मुसाब नागू की यहाँ सोमवार रात एक अस्पताल में मौत हो गई। कावेरी विवाद पर प्रदर्शन तेज, बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग रोका गया। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद कर्नाटक में आंदोलन तेज हो गया और राज्य के किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मंगलवार को बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग बंद कर दिया। कावेरी राजनीति के केंद्र मांड्या जिले में बंद रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने अनेक जगहों पर सड़कें जाम कर दी और धरना दिया। बलूचिस्तान में 3 सुरक्षाकर्मियों की हत्या। संदिग्ध आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के मफतंग जिले में 3 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 पुलिस अधिकारियों और कर विभाग के 1 सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि शहर के मस्जिद रोड क्षेत्र में कुछ हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक अब्दुल्ला और उनके बेटे की मौत हो गई। अब्दुल्ला का बेटा भी पुलिस में कार्यरत था। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।